वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव। आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है एक्टिव एंड पैसिव, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और महत्वपूर्ण सिर्फ ये हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए ही नहीं, बल्कि स्पोकन लैंग्वेज में भी एक्टिव एंड पैसिव का बहुत ही यूज़ किया जाता है। सो, आज इस टॉपिक को, एक्टिव एंड पैसिव को, हम आज कुछ नए तरीके से डिफरेंट अंदाज में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने इस टॉपिक को बेहद ईजी बना दिया है, एकदम कंफर्टेबल बना दिया है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ये कि आज मैंने इस टॉपिक को एक ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया है, और उस ट्रिक में आपको जो एक्टिव एंड पैसिव को कन्वर्ट करने की, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव जो कन्वर्ट करने की जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल एंड रेगुलेशंस को मैंने एक टेबल में यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको कॉपी पे नोट कर लें। मैं सबसे पहले आपको इस टेबल को समझाऊंगा, और इस टेबल को समझाने के बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से वन बाई वन आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कराऊंगा, और आप देखेंगे कि आधे एग्जाम्पल मैं करा पाऊंगा उतने में ही आप पूरा एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे, और आगे वाले जो रूल्स हैं उनके आप खुद अपने आप ही बिल्कुल इजी तरीके से आप एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कर पाएंगे। उसके बाद एक्टिव और पैसिव का जो ये टॉपिक है, इसका महत्व मैं आपको बताना चाहूँ कि ये स्पीकिंग के साथ साथ, हाई स्कूल इंटर के साथ साथ, ये जो है ट्रांसलेशन में भी बहुत यूज़फुल है। क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करते हो, चाहे इंग्लिश से हिंदी में कर रहे हो या फिर हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में कई बार पैसिव वॉइस के सेंटेंस आ जाते हैं, और आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डीप नॉलेज ना होने के कारण आप उन सेंटेंसेस को गलत कर देते हो। अक्सर ट्रांसलेशन के समय एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में या पैसिव के सेंटेंस को एक्टिव में बना देने पर उस सेंटेंस का जो अर्थ है वो गलत कर देते हो। तो इसलिए आज हम आपको बाइलिंगुअल मेथड से ना सिर्फ एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना आपको हम पढ़ाएंगे, बल्कि हम आपको उसका अर्थ और मीनिंग भी बताएंगे, ताकि आप उसे स्टोरी में यूज कर सकें और अपनी स्पोकन लैंग्वेज में, यानी कि अंग्रेजी बोलने में भी यूज़ कर सकें। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जब हम एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में सेंटेंस को बदलते हैं, तो बदलने के बाद हमारे सामने जो दो सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, तो उस सिचुएशन में उन दोनों ही सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, या हिंदी मीनिंग क्या आने पर हमें जो है पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव मतलब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसमें जो भी एक शब्द है वॉइस, वो नहीं लिखा हुआ है, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम आज पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेट अस अंडरस्टैंड, समझते हैं। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जो कर्ता प्रधान होते हैं। एक्टिव वॉइस को अगर आप हिंदी में समझें तो ये कहे जाएंगे कर्ता प्रधान। कर्ता प्रधान यानी कि ऐसे वाक्य जिन वाक्यों का जो कर्ता है वो उस वाक्य का प्रधान होता है, मुख्य यानी कि अहम किरदार को अदा करता है। जैसे एक मूवी होती है, तो मूवी में अहम किरदार अदा करता है एक हीरो, एक हीरोइन या फिर विलेन। वैसे ही सेंटेंस में समझ लें आप, सेंटेंस में अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, तो उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, उसमें जो मुख्य किरदार, मुख्य जो रिएक्शन होता है वो होता है कर्ता का, इसलिए उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, और उसकी हिंदी होती है कर्ता प्रधान, जिसमें क्रिया को प्रभावित करता है डायरेक्ट कर्ता। उसका जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट जो है अपने साथ वर्ब को प्रभावित करता है। इट मीन्स वर्ब जो है वो उसके सब्जेक्ट को क्वालिफाई करती है। जबकि पैसिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको पैसिव वॉइस का यूज़ बताऊं कि पैसिव वॉइस का यूज़ तब किया जाता है जब किसी सेंटेंस में कर्ता का अभाव हो। जब किसी सेंटेंस में
कर्ता का अभाव हो, यानी कि कर्ता जो है वो ना दिया हो, और अगर दिया हो तो वो सक्रिय रूप में यानी कि एक्टिव फॉर्म में ना देकर पैसिव फॉर्म में, निष्क्रिय फॉर्म में दिया हो, मतलब आगे ना देकर पीछे दिया हो। अगर हम अगले तरीके से आपको समझाएं तो ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी वाक्य की शुरुआत इट मीन्स स्टार्टिंग अगर एक्टिव होगा तो कर्ता से होगी, जबकि पैसिव होगा तो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म से होगी। अगला अगर आपको अंतर बताएं तो अगला ये कि किसी भी सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस है, हम लोग जनरली जो डिस्कशन करते हैं या स्टोरीज ट्रांसलेशन करते हैं या इंग्लिश की स्टोरीज को या बुक से लेसन्स को रीड करते हैं, उनमें जो लेसन्स में जो लाइंस लिखी होती हैं उन लाइंस को आप दो मेथड से आप कह सकते हैं। इट मीन्स हम अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने दो तरीके से रख सकते हैं। नंबर एक कि हमारे वो जज्बात जो सेंटेंस के रूप में निकल रहे हैं वो एक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, या हम उन्हीं जज्बातों को पैसिव में भी कह सकते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू वन एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं अगर आपसे एक एग्जांपल कहूं, हिंदी में समझें अभी आप, आपसे एग्जांपल कहूं कि मैं रोज़ाना आपको पढ़ाता हूं, अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से कह दूं तब भी आप देखेंगे कि इसका जो अर्थ था मैं आपको रोज़ाना पढ़ाता हूं वो नहीं बदलेगा, अर्थ सेम रहेगा परंतु एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। आपको रोज़ाना पढ़ाया जाता है, अगर इसमें चाहें तो ये भी जोड़ सकते हैं हम, क्या आपको मेरे द्वारा रोज़ाना पढ़ाया जाता है, तो मैं आपको रोज़ाना पढ़ाता हूँ, आपको मेरे द्वारा रोज़ाना पढ़ाया जाता है, दोनों ही बातों का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो सेम है। तो जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है उन दोनों का पर्पज़ एक ही होता है कि मैसेज को अच्छे तरीके से धारा प्रवाह अंदाज से कन्वे करना। तो इसलिए हमारी जो धारा प्रवाह लैंग्वेज बिल्डअप हो सके, बन सके, इसलिए हमें एक्टिव और पैसिव दोनों का होना, नॉलेज होना अनिवार्य है। जब आपको दोनों का नॉलेज होता है तब आप अपनी बात को धारा प्रवाह ढंग से कह सकते हैं, क्योंकि सारे सेंटेंसेस अगर आप एक्टिव वॉइस के यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी आप अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं ला सकते। नेवर एवर इन योर लाइफ यू कैन मेक द फ्लुएंसी इन योर लैंग्वेज इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिव वॉइस एज वेल एज पैसिव वॉइस। जब दोनों की नॉलेज आपको प्रॉपर होगी तभी आप अपनी लैंग्वेज को धारा प्रवाह बना सकते हैं, क्योंकि धारा प्रवाह बनाने के लिए कई बार बात को पैसिव वॉइस के अंदाज में, कई बार एक्टिव वॉइस के अंदाज में, कई बार दोनों को मिलाकर कहना पड़ता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव, एक सेंटेंस एक्टिव कह लिया तो दूसरा पैसिव कह लिया, अगर आप एक्टिव ही एक्टिव में कहते रहेंगे हालांकि बात पूरी हो जाएगी बट धारा प्रवाहिता उसमें जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फ्लुएंसी खराब हो जाएगी। इसलिए एक्टिव पैसिव इतने महत्वपूर्ण हैं। तो हमने आपको बताया कि एक्टिव और पैसिव के क्या यूज़ हैं, एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं, और किन परिस्थितियों में एक्टिव और पैसिव वॉइस के यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए, उसको हमें समझने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको दो टर्म जानने हैं। नंबर एक कि हम इसको एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। नंबर दो ट्रांसलेशन, हमें एक्टिव की और पैसिव की दोनों की ट्रांसलेशन आनी चाहिए, हिंदी से अंग्रेजी में भी कर लेने से और अंग्रेजी से हिंदी में भी कर लेने से हम जागरूक होना चाहिए, क्योंकि पैसिव के सिर्फ कन्वर्जेशन नहीं होता बल्कि ट्रांसलेशन भी होती है। हिंदी के सेंटेंसेस भी हम पैसिव वॉइस बोलते हैं तो उनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन आनी चाहिए, जो आप इस टॉपिक में आप सीखेंगे। तो हमारे पास टेबल है और ये टेबल जो है सारे टेंसेस की है। अब हम आपको बताएं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो हैं 12 टेंसेस पढ़ा करते हैं, और उन 12 टेंसेस में आप ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि 8 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव एंड पैसिव पढ़ा जाता है या बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। तो पहले तो इसमें 8 वो हैं 12 में से, 12 में से 8 एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में बदलते हैं, तो 8 वो हैं, और इसके अलावा कुछ अलग रूल्स हैं। तो वो 8 कौन से हैं आप ये देखें, और कौन से 4 नहीं हैं वो भी मैं बता दूंगा। इसमें 8 जो हैं वो पहले आप सुन लें, फिर इसमें से 4 कौन से वाले नहीं हैं आपको वो भी जान लेना है, फिर इसके अलावा जो अदर रूल्स हैं वो भी, यानी कि कंप्लीट टेबल बना दी है। आपको इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर आपको रट्टा मारना है। कैसे रटना है, क्या करना है, लेट मी टेल यू। तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहली लाइन में आप ये देख रहे हैं, सबसे पहला वाला, सबसे पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
नाम मैंने बता दिया, अगर आप नाम नहीं भी याद रखेंगे, इस टेबल को रट लेंगे, तब भी आप एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव और हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप नाम भी जानते चलें, क्योंकि हिंदी की पहचान के साथ साथ अंग्रेज़ी की पहचान भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हिंदी से अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी की पहचान आनी चाहिए और अंग्रेज़ी से हिंदी को समझने के लिए अंग्रेज़ी की पहचान आनी चाहिए। और जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है वो अंग्रेज़ी की पहचान होती है हिंदी में सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा ये जो पहली लाइन में लिखा हुआ है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब क्या है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज, डू, या फिर कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या यूं समझो कि किसी भी सेंटेंस में, जैसे आप एक्टिव से पैसिव में बदलने जा रहे हैं, कि अगर एक्टिव से पैसिव में बदलते समय आपको अगर किसी सेंटेंस में डज मिल जाए या डू मिल जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तीनों में से कोई एक, ये बात आप नोट कर लें कि इसमें ये जो तिरछी लाइन है, ये जो तिरछी लाइन बनाई गई है, ये एक लाइन ब्लू कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस तिरछी लाइन का ऑब्लिक का मीनिंग है या, इसका मतलब ये है ये तीनों एक साथ नहीं आने जा रहे बल्कि इन तीन में से कोई एक आने वाला है। यानी कि किसी सेंटेंस में या तो डज होगा, अगर डज ना हुआ तो डू हो सकता है, और डू भी ना हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तीन में से कोई एक चीज़ ज़रूर होगी, 101% एक चीज़ होनी है। जब इन तीनों में से कोई एक हो तो आप तुरंत समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ऐसे सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो आपके सामने रूल लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को, या यूं समझो जिसमें डज या डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उस टेंस को आप जब पैसिव में बदलें तो उसकी साइक्रिया हटाकर या ना हो तो भी आपको इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक लगा लेनी है। और उसके बाद उसकी आई हुई वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में होगी उसको आप थर्ड फॉर्म में कर दें। और एक चीज़ आप जब देखेंगे, ये पैसिव वॉइस वाली जो लाइन है इस सब में एक चीज़ कॉमन है, और कॉमन ये है कि हर लाइन में थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हर पैसिव वॉइस में एक चीज़ कॉमन रहती है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में बदला जा रहा है या ट्रांसलेशन की जा रही है उसमें हर हालत में थर्ड फॉर्म होगी, दैट्स श्योर एंड सर्टेन। इसलिए आप वर्ब्स एंड वर्ब्स की फॉर्म याद करना स्टार्ट कर दें। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि वर्ब्स को कैसे याद करना है ट्रिकी मेथड से, तो आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद आप देखें कि हर एक लाइन में मैंने दो एरो बनाए, एक एरो जो उधर इंडिकेट कर रहा है, दूसरा एरो इधर इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये कि अगर एक्टिव आएगा तो ऐसे आएगा, तो आपको पैसिव में बनाने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेना है। लेकिन कभी कभी आपको पैसिव आ जाएगा और एक्टिव बनाना पड़ेगा, ऐसा कब होता है जरा आप समझें। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, चूँकि ये वीडियो सभी के लिए है, तो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक्टिव दिया जाएगा उनके एग्जामिनेशन में और उनको पैसिव में बदलना होगा, तो उनके लिए इन में से कुछ एक आएगा और आपको इसे मार्क करके वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देनी है, पैसिव में बना लेना है। बट जो इंटर के बच्चे हैं या कंपटीशन वाले हैं, उनकी जानकारी के लिए उनके एग्जामिनेशन में पैसिव वॉइस आ सकता है और उनसे एक्टिव वॉइस में बदलने को कहा जा सकता है। इसलिए दोनों ही चीज़ें सीखें। सिर्फ आपको एक्टिव से पैसिव में ही नहीं बदलना है बल्कि पैसिव से एक्टिव में भी बदलना है, दोनों बातें करनी है। हाई स्कूल वालों को तो सिर्फ एक्टिव से पैसिव में बदलना होगा, बाद बाकी सभी को पैसिव से एक्टिव में भी। इसलिए अपनी आंखें पूरी तरीके से खुली रखें, दिमाग को पूरी तरीके से एक्टिव और फोकलाइज्ड रखें। तो एक्टिव करना, एक्टिव से पैसिव करना हो तो इसका यूज़ करें, अगर ये आया तो पैसिव होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसको इस तरह से कर दें। यानी कि एक दूसरे में आप रिवर्स कन्वर्जन करते रहेंगे, एक्टिव होने पर पैसिव, पैसिव होने पर एक्टिव। ये आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। बात समझ गए? तो इसी प्रकार से ये अगला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। जब अगर डिड और सेकेंड फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कर देनी है। जब तीसरे में जाएंगे तो आप देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए विल बी और शैल बी, आपने देखा इसमें बी बढ़ा दी गई, और थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है हर पैसिव वॉइस में।
आप इसको ऐसे बदल लेंगे। अगर पैसिव से एक्टिव करना हो तो आप याद रहे इस प्रकार की जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो तो वो पैसिव होगा, और आपसे एक्टिव करने को कहा जाए तो आप इसमें बदल देंगे, यानी कि हमेशा रिवर्स कन्वर्जन करेंगे। इस प्रकार की साइक्रियाएँ आए, आप ऐसी कर दो, ऐसा आए तो वैसा कर दो, तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, इसीलिए एरो आपके इंडिकेशन के लिए लगाया गया है। उसके बाद अगला टेंस, अगला टेंस इज एमआर प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस इंग जिसे आप कहते हैं आईएनजी फॉर्म, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर जरा नोट करें, आपने देखा पहले दो टेंसेस जो थे उनमें उनकी साइक्रियाएँ बदल रही थी, जबकि उसके बाद की जो टेंसेस हैं या यूजेस होंगे उनकी साइक्रियाएँ बदल नहीं रही हैं। आपने देखा ना ही बिल और शैल बदली, बल्कि उसके साथ एक शब्द बढ़ गया, और वो क्या बढ़ गया, बी, और थर्ड फॉर्म कंपलसरी होना ही होना है। जब आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस में आए प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें इज एम आर का इज एम आर ही रहा, इधर भी इज एम आर, इधर भी इज एम आर, नो चेंज। लेकिन क्या कर दिया कि इसमें बींग बढ़ा दिया, जैसे ऊपर वाले में बी बढ़ाया था इसमें बींग, और इसकी ये जो आई एन जी फॉर्म थी ये बदल के कर दी थर्ड फॉर्म। यही प्रोसेस इससे अगले वाले में, इसलिए जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊँगा तो इन दोनों के एग्जाम्पल एक साथ कराऊँगा, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, अगर आप एक समझ गए तो दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। इसमें भी वॉज वर्ब के साथ में जब आईएनजी फॉर्म आई तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, जिसको पैसिव में बदलने के लिए वॉज वर्ब का वॉज वर्ब रखा गया और उसमें बीइंग जोड़ दिया गया, और थर्ड फॉर्म जो कि कंपलसरी है, और ये थर्ड फॉर्म इस आईएनजी फॉर्म से बदल कर बन जाएगी। तो ये थे कॉन्टिन्यूअस के। अब एक यहाँ से मिसिंग है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैंने बताया था चार, बारह में से चार टेंसेज ऐसे हैं जो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में नहीं बदलते, तो जिसमें से एक यहाँ से मिसिंग है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, याद रखें। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चले तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हैज एप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और बच्चों परफेक्ट के तीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट, और तीनों के परफेक्ट के बनाने के नियम सेम, और वो सेम क्या है कि ना ही उनकी हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। देखें इधर हैज हैव तो इधर भी हैज हैव, इधर हैड तो इधर भी हैड, इधर विल हैव शैल हैव तो इधर भी विल हैव शैल हैव, और तीनों में एक चीज़ कॉमन की गई है, वो क्या कि तीनों में बीन को बढ़ाया है। जैसा कि मैंने बताया ही था कि इन दो टेंसेज में साइक्रिया बदलती है, बाद बाकी में साइक्रिया बदलती नहीं है, बल्कि कुछ बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है वो भी सुने, बी होना, बी, बी या बी की कोई फॉर्म आ जाएगी, कभी बी आ जाएगा, कभी बी की कोई अगली फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर आई बीइंग तो ये आईएनजी फॉर्म है बीइंग की, और इन तीनों में आई बीन बीन बीन, ये उसकी बी की थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए जो है आपको याद रखें कि कॉन्टिन्यूअस के सिर्फ दो होते हैं और जो परफेक्ट के हैं वो तीन हुआ करते हैं। तो इसलिए जो है आप याद रखें कि परफेक्ट में साइक्रिया नहीं बदलनी है, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करना है, बीन आपको लगाना है, और थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, परमानेंट है पैसिव वॉइस में। और खुशी की बात यह है कि परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म भी पहले ही हुआ करती है। तो इस प्रकार से तीनों परफेक्ट के एक ही जैसे बनते हैं, तीनों की हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती, तीनों की थर्ड फॉर्म पहले से ही होती है वो भी नहीं बदलती, सिर्फ इसमें बीन कर दिया जाता है। तो ये हुए आठ। अब यहाँ से तीन टेंस बाकी हैं, बारह टेंसेज में से जो लास्ट वाले टेंसेज हुआ करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनको भी एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में नहीं बदलते, इसलिए वो भी इस टेबल में नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, अब हमारे सामने आगे क्या है, आगे है कैन का यूज़ और कुड का यूज़, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो कैन और कुड के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो एक्टिव होते हैं, और उनको पैसिव में बदलने के लिए कैन का कैन रहेगा, कुड का कुड रहेगा, आप देखेंगे कि उसमें बी कर दिया जाएगा। आपको अगर हम बताएं तो सिंपल शब्दों में बताएं कि ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड,
शुड, मस्ट, जो यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, आउट टू, और दो जो है पहले ही लिख चुके हैं, विल और शैल, जो कि फ्यूचर में भी शामिल होते हैं। तो ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो बच्चों, इनको पैसिव बनाने में सबका नियम सेम, और वो क्या कि इनकी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बदलती, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं बदलती। इन सभी में आपको बी जोड़ देना है, और बी जोड़ने के बाद इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है, जो इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखी हैं, उन फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में आपको बताया कि हमेशा थर्ड फॉर्म कर दी जाती है। तो आपने देखा, एक बार आप रिवीजन करें, इस लास्ट पॉइंट को बाद में समझाते हैं, रिवीजन ये करें कि हमेशा पैसिव वॉइस बनाने में थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, इसलिए आपको थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इन दो टेंसेस की सहायक क्रिया को आप रट लें, जो कि बदल जाती है, बाद बाकी किसी भी टेंस में सहायक क्रिया नहीं बदलती, बल्कि ये जो बी है किसी ना किसी रूप में आ जाती है। जैसे इस फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में बी लगा दी गई विल और शैल के साथ में। उसके बाद दो हैं कॉन्टीन्यूअस के, इन दोनों कॉन्टीन्यूअस के, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में बीइंग आईएनजी फॉर्म के तौर पर लगा दी गई, यही बी जो आईएनजी फॉर्म में एक ये और एक ये लगा दी गई। उसके बाद तीन है परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में बी लगा दी जाती है, तीनों में थर्ड फॉर्म भी पहले से ही मौजूद है, जो सेम की सेम है। उसके बाद ये जो है आठ यहाँ पर दिए हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होता, ये हेल्पिंग वर्ब सेम रहती हैं, बस इसमें बी बढ़ा दी जाती है, जो देखो ये रिंग किया गया है बी, और जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड, क्योंकि पैसिव में थर्ड कंपलसरी है। और ये जो लास्ट का रूल है ये है इम्परेटिव का, इम्परेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूं होता है, जिसे पैसिव में बनाने के लिए कुछ यूं कर दिया जाता है। ये डिटेल से मैं आपको तभी समझाऊंगा जब एग्जांपल इसके कराए जाएंगे, क्योंकि अभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे, और वैसे भी वन बाई वन सभी के एग्जाम्पल्स करने हैं। अभी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल इधर ले रखा है जो आप समझने जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको वन बाई वन सभी के एग्जाम्पल ले लिए जाएंगे। अगले वीडियो में इन दो को ले लिया जाएगा, उससे अगले में ये दो ले लिए जाएंगे, उससे अगले में ये तीन ले लिए जाएंगे, बचे हुए वीडियो में ये सारे, और फिर बचे हुए में ये, यानी कि तीन से चार वीडियोस और बनेंगे जिसके सारे के एग्जांपल्स आपके सामने मैं क्लियर कर दूंगा। सो लेट्स डू फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ द रूल। इसका जो सबसे पहला है डू, डज और फर्स्ट की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं। तो आपको एक नए फॉर्म में मैंने लिखा कि यदि किसी सेंटेंस में डज हो, डू हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा एक्टिव वॉइस, जिसे पैसिव में बदलने के लिए इनको हटाकर इज एम आर कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं 10, इन एग्जांपल्स को आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है बच्चों हमारे पास, बर्ड्स बिल्ट नेस्ट, ये सबसे पहला एग्जांपल है। तो हम देखेंगे इस सेंटेंस में इन तीनों में से कौन सी चीज़ मौजूद है। तो आप देखेंगे इन तीनों में से मौजूद है इसमें ये बुल्ड, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, इस इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सीधी सी बात है, हमारे सामने रूल यहाँ पर मौजूद है, अब हम उधर ना भी देखें उस टेबल में तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर हमारे रूल मौजूद हैं, अब हम इन रूल को देखकर हम इसको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो चलिए इसको बदलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ कि आप किसी भी सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव में करने से पहले आप क्या करेंगे कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उसको ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, और जो सब्जेक्ट है उसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो उसमें अधिकतर 99% बाई हो जाता है, बाई, बी बाई बाई हो जाता है। कैसे हो जाता है, लेट मी टेल यू। तो नेस्ट आपका इधर आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा इस तरह से नेस्ट, चूंकि बच्चों नेस्ट जो है प्लूरल है, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इस प्लूरल के मुताबिक लगेगी, तो इन तीनों में से इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल की आर, तो नेस्ट के साथ में आर यहाँ पर आपको लगानी है। अब आपको बच्चों क्या करना है, अब आपको इसमें बताया है कि सहायक क्रिया को एक लगाओ फिर थर्ड फॉर्म कर दो, तो थर्ड फॉर्म इसमें क्या करनी है, ये जो बुल्ट है
इसकी थर्ड फॉर्म बदल के यहाँ पे रख देनी है, और बुल्ड की थर्ड फॉर्म जो होती है वो बुल्ट होती है, तो आप कर देंगे बुल्ट। अगर आपको बुल्ड की बुल्ट ना होती है, इसे कुछ लोग बिल्ड भी पढ़ते हैं, सही है, तो इस बुल्ड को जब आप बुल्ट करें तो आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखें कि जब भी किसी वर्ब के लास्ट में डी हो और उसे सेकंड थर्ड बनानी हो तो उस डी की जगह पर अगर आप टी कर देते हैं तो वो सेकंड थर्ड बन जाएगी। तो इस तरीके से बुल्ट, और ये जो सब्जेक्ट है वो पीछे जब जाएगा, तो पीछे जाने पर अभी मैंने बताया कि बाई के साथ आप उस सब्जेक्ट को पीछे लिख देंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बर्ड्स, तो ये आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। यही सेम प्रोसेस अगले सेंटेंस में करनी है। अगला सेंटेंस है आल लव हिम, तो आप हिम को इधर लाएं और ऑल को उधर ले जाएं। अब एक चीज़ आपको बच्चों पता होनी चाहिए, वो ये कि जब हिम इधर आएगा तो ये हिम ही बन जाएगा। अब ये हिम ही क्यों बन जाएगा, इस बात को आप समझें। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जब वो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट की जगह पर तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, और इसलिए वो ही हो गया। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो हम आपको यहाँ पर लिखकर दिखाते हैं, जिसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें और अच्छी तरीके से इसे समझ लें। ये टेबल तो वैसे भी अब कोई काम की नहीं रही, तो हम आपको यहाँ पर लिखकर दिखाते हैं, आप इसको नोट कर लें जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं आती है। तो वो क्या है, लेट मी टेल यू, है कि अगर बच्चों अगर कहीं पर ही आया हुआ है और उसकी जगह बदल रही है, सब्जेक्ट पीछे जा रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और अगर हिम इधर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, आपस में एक दूसरे की जगह बदलेंगे। इसी प्रकार से अगर शी हो तो वो उधर जाने पर हर हो जाएगा, और हर इधर आने पर शी हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर दे है तो दे उधर जब जाएगा तो वो बच्चों हो जाएगा देम, और देम जब उधर से इधर आएगा तो दे, यानी कि आपस में रिवर्स होते रहेंगे। इसी प्रकार से बच्चों हैं कि आई जो है वो मी में, और मी आई में कन्वर्ट हो जाता है। और बच्चों इसी प्रकार से है कि ये जो वी है, वी जो है वो वी हो जाता है अस, और अस जो है वो आपस में वी में बदल जाता। और बच्चों जो यू होता है वो दोनों सिचुएशन में सेम रहता है। तो ये है आपके लिए, अगर आप कन्फ्यूज़ हों तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें, कॉपी पे नोट कर लें कि किस तरीके से ये बदले जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हिम को यहाँ पर ही में इसलिए कर दिया गया। अब उसके बाद आप देखेंगे इनमें से कोई एक साइक्रिया लगानी है, इज लगाएंगे क्योंकि ही के साथ इज लगती है सिंगुलर, तो ये लगा दी इज। उसके बाद ये जो लव है इसकी थर्ड फॉर्म, तो लव की जो बच्चों थर्ड फॉर्म होती है वो लव से हो जाएगी लव्ड, और ऑल चला जाएगा पीछे बाई, ऑल स्मॉल लेटर में लिख दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों अगला एग्जांपल देखते हैं, शी ड्रिंक्स, तो आप देखेंगे इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आई, तो इसमें भी वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे। मिल्क इधर, मिल्क सिंगुलर हुआ तो इसलिए इसमें इज हो जाएगा, और ड्रिंक की बच्चों जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ड्रंक। एवरी मॉर्निंग, और ये जो शी जब पीछे जाएगा तो बच्चों इसको लिखा जाएगा बाई हर, बाई हर। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों एग्जांपल, ही बीट्स मी, तो जब आप मी को इधर लाएंगे तो ये मी जब इधर आएगा तो आई हो जाएगा, आई के साथ इन तीनों में से एम लगाना है तो इसलिए ये हो जाएगा आई एम। और बीट्स को जब आप थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बच्चों लिखेंगे बीटन, और ही जो कि पीछे जाना है तो पीछे जाने पर ही चेंज हो जाएगा हिम में, जो रूल में आपको बताया गया। तो ये थे बच्चों सभी अफर्मेटिव, जिसमें आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म आई थी। अब देखते हैं कुछ अलग जिसमें डू और डज दिया हुआ है। तो अगला है बच्चों जिसमें डज दिया तो भी यही है, यही रूल लगाना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हिम को जो बच्चों में इधर लाएंगे तो हो जाएगा ही इज, ये डज हट जाएगा इसकी जगह पे इज, और नॉट लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव हो तो नेगेटिव रखें, अफर्मेटिव हो तो अफर्मेटिव रखें, इंटेरोगेटिव हो तो इंटेरोगेटिव रखें, जैसा सेंटेंस हो वैसा रखें, बस
एक्टिव से पैसिव कर दें, या अगर पैसिव से एक्टिव करवाया गया हो तो पैसिव से एक्टिव कर दें। तो ही इज नॉट, और लव की थर्ड फॉर्म लव्ड बाई हर। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, तो बच्चों जब हम इसमें देखेंगे तो वी डू नॉट टेक अ लॉन्ग मॉर्निंग वॉक। तो बच्चों देखो, अ लॉन्ग मॉर्निंग वॉक ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम उठाकर आगे ले आएंगे, अ लॉन्ग मॉर्निंग वॉक। आप बस यहीं पे गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो आप ये सोचो इनमें से कोई एक शब्द उठा लो, ये पूरा एक फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट है, अ लॉन्ग मॉर्निंग वॉक, जो कि एक वचन हुई, इसमें इज लगाना है और नेगेटिव है तो नॉट रहेगा, और टेक की जो थर्ड फॉर्म है बच्चों वो होती है टेकन, ये जो टेक है इसकी थर्ड फॉर्म टेकन, और वी जब पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा बाई अस। तो ये थे बच्चों दो नेगेटिव जो आपको एक्टिव से पैसिव में बदल दिए गए। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में अब आप देखेंगे इसमें डू दिया हुआ है, डू दिया हुआ है, तो आप देखें सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब इसमें आगे है, तो जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे ही रखेंगे। अब देखते हैं, डू द रीपर्स रीप द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट सिंगुलर है इसलिए हम पैसिव वॉइस की सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब पहले ही उसके नीचे लिख लेंगे, डू के नीचे हटाने से पहले। क्यों? क्योंकि हार्वेस्ट सिंगुलर है, तो हार्वेस्ट सिंगुलर के लिए इज लगाया जाएगा, तो सबसे पहले इज, फिर ये जो ऑब्जेक्ट है हार्वेस्ट वो इधर, इज द हार्वेस्ट। उसके बाद थर्ड फॉर्म, रीप मीन्स होता है बच्चों फसल का काटना, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीप्ड, और ये जो रीपर्स है ये चला जाएगा पीछे, द रीपर्स, और रीपर्स मीन्स होता है बच्चों फसल काटने वाला, अर्थात कृषक किसान, जिसे हम लोग अपने गांव की भाषा में नौनी करने वाला भी कहते हैं, रीपर फसल काटने वाला। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, अब देखिए इसमें भी डज आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आगे आई, तो इसलिए इसमें भी हम इज पहले रख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फूड ऑब्जेक्ट जो हम इधर ला रहे हैं ये ऑब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए क्योंकि पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है उसके अनुसार लगाई जाती है जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर आने वाला होता है। तो इज फूड, और जो कुक है उसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड, और सब्जेक्ट जब शी पीछे जाएगा तो वो बन जाएगा हर। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस। अब हमारे पास बचे हैं दो डबल इंटेरोगेटिव के, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो देखो इसमें वाई जो है डबल इंटेरोगेटिव वर्ड ये नहीं बदला जाएगा, सिर्फ डू के नीचे हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, और वो क्या होगी इज, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो चेस, चेस मीन्स होता है शतरंज जो कि सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब है प्ले, जो कि हो जाएगी प्लेड, इन द इवनिंग, और इसका जो सब्जेक्ट है दे उसको पीछे लिख दिया जाएगा, और दे पीछे जाकर हो जाता है देम, आप उस टेबल में देख सकते हैं। और उसके बाद बच्चों लास्ट एग्जांपल है जो कि बहुत एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे है, इसमें हु आया है, जिसमें भी हु आता है बच्चों तो उसको आगे ही बाई हूम में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करें कि जिस सेंटेंस में हु आता है और उसको जब पैसिव वॉइस में बनाया जाता है तो हु को बाई हूम में बदल देते हैं, फिर उसकी सहायक क्रिया लगाते हैं आर। अब आप सोचेंगे ये आर कहाँ से आई, आर इसमें जो एनिमल्स है जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर हमें लगाना है, इसलिए इस एनिमल्स के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली, क्योंकि प्लूरल में आर लगाई जाती है, तो इसलिए मुझे एनिमल्स इधर लाना था, द एनिमल्स, तो इसलिए आर यहाँ पर लगाई। उसके बाद ये जो किल है वो लिख दी जाएगी किल्ड, और सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचेंगे कि सभी सेंटेंसेस की तरह इसमें सब्जेक्ट पीछे बाई के साथ नहीं गया, तो आप ये सोचें कि जब इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो पीछे जाएगा क्या, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं और उस सब्जेक्ट की जगह पर ये इंटेरोगेटिव वर्ड हु आया है,
इस हु ने सब्जेक्ट की जगह ले रखी थी, इसलिए इस हु को बाई के साथ में हुम में कन्वर्ट करके लिख दिया गया है। तो सब्जेक्ट का कार्य इसने पहले ही आगे कर दिया है, इसलिए पीछे जाने को कुछ नहीं बचा। तो ऐसे सेंटेंस जब आए तो आपको इस तरीके से उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। आपको इसका एक एग्जांपल और मैं कराता हूँ ताकि आप जो हैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें। लेट मी राइट डाउन एन एग्जांपल मोर। एग्जांपल है हु एडमायर्स मी। तो देखिए बच्चों, इसमें भी जब आप हु को आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा बाई हुम। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। जिस सेंटेंस में हु आता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए उस सेंटेंस को हम बनाते हैं तो बाई हुम आगे ही रहता है। आप ये मत सोच लेना कि बाई हुम को अगर हम पीछे कर दें तो गलत हो जाएगा। कारण इसलिए, आप जानते हैं कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव वर्ड आगे होता है, इसलिए हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है हुम, हु को जो बदलते हैं वो किस में बदलते हैं? हुम में। ठीक वैसे ही जैसे इनको बदल रहे थे। तो इसलिए अगर हम हुम को पीछे कर देंगे तो इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। और मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में ही, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव रहे, नेगेटिव का नेगेटिव रहे, इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव रहे। तो अगर आप पीछे ले जाते हैं तो भी इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, रूल गलत हो जाएगा। इसलिए हु का बाई हुम आगे ही रहना है। चूँकि अब मी लगना है, इस वजह से यहाँ पर एम आई हो जाएगा, मी का आई और आई के साथ एम, और फिर एडमायर की थर्ड फॉर्म एडमायर्ड। तो ये रहा ऐसे सेंटेंस। अब एक और देखें, अब एक और मैंने लिखा हु कुक्स फूड। अब आप इसमें देखेंगे इसमें इज हो जाएगा। इसमें जब हम हु को बाई हुम कर देंगे बच्चों तो इसमें इज लगेगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें फूड लगने जा रहा है, इस वजह से हो जाएगा बाई हुम इज फूड और वर्ब हो जाएगी कुक्ड, और पीछे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये थे सेंटेंसेस जो समथिंग डिफरेंट थे। तो आप याद रखें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यही है, क्योंकि बाद बाकी बहुत ही ईजी है, एकदम वेल नोन है, सभी लोग आप जानते हैं। तो बच्चों आई होप सो कि आपको हमारी ये वीडियो एक्टिव पैसिव का ये जो मेथड है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप नए वॉचर हैं तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे पुराने जो हैं स्टूडेंट हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करवाएं, और साथ ही साथ कमेंट्स में अच्छाइयों एवं बुराइयों को ज़रूर 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 मेंशन करें, यानी कि आपकी कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो लास्टली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। दैट्स इट।